हल्द्वानी में आर्मी पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद LIU और इंटेलिजेंस के लोग संदिग्धों से पूछताछ में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में परेड मैदान में आयोजित आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शीतल नायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने आयुर्वेद, आयुष और योग के महत्व पर कहा कि ये सब उत्तराखंड से ही निकला है। सीएम हरीश रावत ने इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए उत्तराखंड के पवन नेगी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सूखे के हालात का जायजा लिया और उस पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बरसात की कमी की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, उसे देखते हुए उन्होंने आंतरिक सर्वेक्षण के निर्देश दे दिए हैं। देहरादून में सीएम हरीश रावत ने पुलिस अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, जिसमें जेल विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव गृह उमाकांत अवार और पुलिस के कई अधिकारी मौजूद नजर आए। MGDA में साइट सुपरवाइजर को लेकर मांगी गई सूचना में भी कई तरह की गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। MGDA से हुई कई बिंदुओं पर साइट सुपरवाइजर के बारे में जानकारी मांगने वाले को विभागीय अधिकारियों ने टाल मटोल करने वाले जानकारी मुहैया कराई है। SBR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दवाओं के दुष्प्रभाव पर केंद्रीय ड्रग कंट्रोल विभाग ड्रग कंट्रोलर ने शिरकत कर छात्र छात्राओं को दवाओं के दुष्प्रभाव पर जानकारी दी। उत्तराखंड में मंत्रियों के दावों की हवा उस वक्त निकल गई जब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून के CMS ने पत्रकारों को जानकारी दी कि दवाओं की उपलब्धता को लेकर अभी टेंडर किए गए हैं और एक सप्ताह के अंदर दवाओं की कमी को पूरा किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में टी बोर्ड की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई कड़े निर्देश जारी किए। 10 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय कुर्मी मुक्ति दिवस की सफलता को लेकर देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम देहरादून के सभागार में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता देहरादून के DM रविनाथ रमन ने की। बीजेपी प्रदेश की नई कार्यकारिणी के साथ ही मोर्चे के अध्यक्षों के नामों के ऐलान को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया। आनंद फानंद में मोर्चा के अध्यक्ष चुन लिए गए। आतंकी वारदातों के चलते अधकुंभ में हर पल डर का साया नजर आ रहा है लोगों के बीच। लोग सहमे हुए हैं, कतरा रहे हैं अधकुंभ पहुंचने से, तो वहीं मुस्तैदी बरतते हुए एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। राज्य में इस साल कम बरसात होने से सूखे के हालात पैदा हो गए। औसतन 10 मिलीमीटर से भी कम बरसात हुई है। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। बर्फबारी के अभाव से बागवानी भी चौपट। मुख्यमंत्री हरीश रावत की मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने बीजेपी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। सुरेंद्र अग्रवाल ने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दी और कहा कि बीजेपी 2017 में भी विपक्ष की भूमिका निभाती ही नजर आने वाली है। नैनीताल की SSP ने जिले में अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले भर के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। SSP ने सिलसिलेवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से अपराध को लेकर जानकारियां ली। तो वहीं रुड़की आर्मी स्कूल से लापता 3 छात्रों को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप था दिन भर। सवेरे 3 छात्रों के घर वापस आने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। रुद्रप्रयाग में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां चिकित्सालय में दिखाया था कि कैसे स्टाफ की कमी और अव्यवस्थाओं को चलते जनता परेशान है, जिसके बाद स्थानीय जनता मुखर हुई, स्टाफ की कमी को लेकर धरना दिया। हरिद्वार मंडी किसानों ने यहां पर निःशुल्क क्रेट वितरण करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय खतीमा में सहायक प्रवक्ता द्वारा प्रैक्टिकल के नाम पर पैसे मांगे जाने को लेकर छात्र छात्राओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। देहरादून पुलिस ने घर में ही लाखों की चोरी को अंजाम देने वाले एक शातिर जुर्म को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित नशे करने का आदी है। नैनीताल के भवारी में वन विभाग की भूमि पर कब्जे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। वहीं एकल पीठ ने मामले में मुख्य सचिव, DA, नगर पालिका परिषद सहित वन विभाग के DFO को 4 सप्ताह के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नैनी झील के घटते जलस्तर की खबर समाचार पत्र पर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत ने संबंधित अधिकारियों के साथ नैनी झील का निरीक्षण किया। रामनगर का आधा शहरी इलाका कोसी नदी के किनारे होने के चलते कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। तो वहीं लंबे समय से इनकी सुरक्षा की मांग करते हुए प्रभावित परिवारों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री इंदिरा हृदेश को बजट को लेकर कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने पूरे 5 साल में जनता को सही बजट दिया, इस बार भी वही होगा। पौड़ी जिले में बच्चे को निवाला बनाने वाले गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने के लिए क्षेत्र भर में शिकारी तैनात। राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए ITBP चौधरी वाहनी के कमांडेंट रणवीर सिंह को पिथौरागढ़ मुख्यालय में सम्मानित किया गया। रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व गृह सचिव डॉक्टर कमल चावरी ने श्रीनगर में समाचार प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वित्त मंत्री को सभी रक्षा बजट से साथ लेकर चलना होगा।